मखानजुर के परलकोट क्षेत्र में नेटवर्क की समस्या को देखते हुए स्थानीय छात्र संघ के लोगों का गुस्सा फूटा है, जहां सैकड़ों की संख्या में छात्रों द्वारा मखानजुर बंद कर दूरसंचार विभाग और शासन प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करने सड़क पर उतरे और पूरे मखानजुर के सड़कों पर आगजनी की। वही दूरसंचार विभाग के कार्यालय पर पत्थरबाजी की। स्टूडेंट्स यूनियन के लोगों द्वारा बताया गया कि स्थानीय मखानजुर पुलिस द्वारा छात्रों के साथ बदसलूकी की गई, जिस वजह से पुलिस मुर्दाबाद के नारे लगाने के लिए यह मजबूर हुए। वहीं भाजपा, कांग्रेस और किसान संघ के नेताओं द्वारा बताया गया कि स्थानीय समस्याओं का महत्व पार्टी से बढ़कर है। वहीं कांग्रेस के नेता ने एक और जहां सांसद द्वारा नेटवर्क सुधार की बात की, तो वहीं भाजपा नेता द्वारा बताया गया कि भाजपा कार्यकाल में सभी पंचायतों में जियो का नेटवर्क का सामान और टावर लगभग जगह जगह पर लगाया गया, जिस पर वर्तमान शासन ध्यान नहीं दे रही। वहीं किसान संघ के नेता पवित्र घोष ने शासन प्रशासन को आईना दिखाते हुए कहा कि समस्या का समाधान जल्द नहीं हुआ तो आगे और भी उग्र आंदोलन किया जाएगा। आंदोलन में मुख्य रूप से साहेब राय, विश्वजीत देवनाथ के अलावा सैकड़ों की संख्या में छात्र मौजूद रहे। अब सवाल यह है कि क्षेत्र का माहौल इस आगजनी और पत्थरबाजी से स्थानीय लोगों के मन पर एक भय सा बना हुआ है। कहीं ना कहीं स्थानीय समस्याओं का समाधान नहीं होने पर आम लोगों को सड़क पर उतरने को मजबूर होना पड़ता है। आखिर जिम्मेदार कौन, लोगों में बड़ा सवाल है। सरकार के द्वारा ही जो ऐप लॉन्च किया गया है कि बच्चों को पढ़ाई के लिए, क्योंकि COVID-19 के चलते पूरे स्कूलें बंद है, आज बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे। जो ऐप के माध्यम से जो हमारे बच्चे पढ़ेंगे, हम छोटे छोटे किसान लोग गांव से आए हैं, गांव के लोग हैं, हमारे पास उतने ये नहीं है कि पैसे नहीं कि शहर में रहकर हम नेट का व्यवस्था सुविधा सुसुविधा ले सके। यहाँ पर वो जो लाचार व्यवस्था है नेट का, केंद्र सरकार इसका BSNL का परिचालन कर रहा है, जो BSNL को आज प्राइवेट हाथ में देने की बात कर रही है, लेकिन यहाँ पर बच्चों की भविष्य बिगड़ रही है, उस पर उनका कोई ध्यान नहीं है। मैं केंद्र सरकार से इतला करना चाहूँगा कि आप प्राइवेटीकरण छोड़ के पहले बच्चों का भविष्य देखें और यहाँ का नेटवर्क को सुरक्षित करें। और दूसरी बात, आपने जो बोला है यहाँ पुलिस का मुर्दाबाद, पुलिस को यहाँ का प्रशासन, यहाँ का शासन, किसी भी आंदोलन में उनको मजबूर किया जाता है कि आप जाइए उस आंदोलन को तत्काल भंग कीजिए ताकि हमारा बदनाम ना हो। ये शासन प्रशासन का व्यवस्था रहती है, इसलिए वो लोग आए थे और हमारे स्टूडेंट पावर ऑफ यूनिटी पर उन लोग लांछन लगाया, उनको अंदर करेंगे, धमकी दिया गया, गिरफ्तार करेंगे, इसलिए लोगों ने उस पर मुर्दाबाद की नारा लगाया है। क्या रणनीति है आप लोग के आगे? हमारा रणनीति यह है, अभी किसान संघ इनको संपूर्ण सहयोग कर रही है स्टूडेंट पावर ऑफ यूनिटी के साथ। अगर ये लाचार व्यवस्था नहीं सुधरा तो इसके बाद उग्र आंदोलन, आज तो सिर खाली हो, अभी तो अंगड़ाई आ गया और लड़ाई आई का नारा लग रही है और उस समय लड़ाई ही दिखेगा। ये हमारा परलकोट, आज की इस युग में नेटवर्क बहुत जरूरी है और मखानजुर का ऐसे लाचार व्यवस्था, जिस लाचार व्यवस्था कारण किसान से लेकर मजदूर से लेकर छात्रों के लेकर परेशान है। आज नेटवर्क ऑनलाइन में पढ़ाई चल रहा है जो कि सबका भविष्य है, और इसे भविष्य बनना, शिक्षित होना देश के हित में है। अच्छे नागरिक बनने के लिए, अपने जीवन काल संचालित करने के लिए शिक्षा जरूरी है, और इस व्यवस्था में COVID-19 में लोगों को शिक्षा प्राप्त नहीं हो पा रहा है। ये बहुत ही लाचार व्यवस्था है यहाँ का नेटवर्क। पिछले सरकार के द्वारा मखानजुर में जियो के कम से 50 नेटवर्क लगा के बैठे है, पर आज की सरकार उसको चालू भी नहीं कर रहा, ऐसी पर आए तो मैं शासन से निवेदन करूंगा, जो व्यवस्था चल रहा था उसको जल्दी से जल्दी सुधार करें, और इस क्षेत्रों की जो लोग हैं, इस क्षेत्रों के जनता, इस क्षेत्रों के स्टूडेंट, इस क्षेत्रों के छात्र, इस क्षेत्रों के किसान मजदूर के हित को सोचते हुए जल्दी जल्दी नेटवर्क की व्यवस्था करें। अन्यथा मात्र ये छात्र नहीं, एक बड़ी से आंदोलन होगा, नेटवर्क की व्यवस्था सुधार नहीं होगा तो किसान मजदूर और यहाँ के सारी राजनीति दल से निवेदन करूंगा कि राजनीति के ऊपर के अपने बच्चों के स्वार्थ को सोचते हुए इसके एक बृहद रूप से आंदोलन करें और शासन को ऐसे मजबूर कर दे कि मखानजुर का नेट। पहले से हमने SDO देखने को मिले कि शासन से ज़्यादा प्रशासन ही हमारे ऊपर हावी हो रहा है दिन ब दिन। क्या किया गया यहाँ पे पुलिस प्रशासन? जब यहाँ पे आए थे मखानजुर पुलिस प्रशासन, तो हमसे सही ढंग से बात नहीं किया था, तो इसीलिए हमने उनके खिलाफ नारे लगाए। क्या मांग करते हैं लोग? हम लोग जल्द से जल्द यहाँ पे नेटवर्क बहाली हो जाए और छात्र अपनी परीक्षा देने में सफल रहे, उसी की मांग करते हैं। दूसरी बात, जहाँ तक सवाल नेटवर्क की प्रॉब्लम या 4G का शायद व्यवस्था है, लेकिन इस मामले में मेरे मित्र भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख यहाँ है, मैं निवेदन ये करना चाहूँगा उनके सांसद के माध्यम से केंद्र सरकार को कम से कम अवगत कराए, ताकि क्योंकि केंद्र सरकार की मामला है। और जहाँ तक आपने अभी बात उठाए कि शासन प्रशासन की जो लाचार व्यवस्था या जो बच्चों के ऊपर हमारे प्रशासन के द्वारा
एक अत्याचार की प्रचेष्टा किया गया है, उसके लिए बिल्कुल हम ऊपर बात करेंगे, जो भी हमारे नेतृत्व हैं उनसे इस चीज़ से अवगत कराएंगे। उनसे चर्चा करने के बाद कौन किया, क्यों किया, उस परिस्थिति को जानते हुए क्या लगता है कितना जायज है पुलिस द्वारा इस प्रकार की कार्रवाई करना? गलत बात है, ये तो टोटली गलत। क्या कार्रवाई करेंगे? आपकी सरकार है, आप क्या कार्रवाई करेंगे? हमारी सरकार है, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ, बच्चों से बात करेंगे, यूथों से बात करेंगे, सरकार की जो भी हमारे नेतृत्व है उनसे बात करेंगे, और हम लोग जो स्टूडेंट है उनके फेवर में जो निर्णय ले सकते हैं वो शासन को वोट बोलेंगे।